हे hey दोस्तों, तो कैसे आप लोग। मैं हूँ आपका होस्ट और दोस्त ऑफिशियल ट्रेंड्स गेमर, आ चुका हूँ एक नए और मज़ेदार वीडियो के साथ में। तो गाइज, आज के वीडियो में आपको क्या देने वाला हूँ, थंबनेल और टाइटल देखकर तो आपको पता चल गया होगा, बट गाइज मैं आपको फिर भी बता देता हूँ। आज के वीडियो में आपको देने वाला हूँ MLW के वेब 7 के 2 लेटेस्ट रिप्रिंट। गाइज एक है जो गाइज उसको मैंने वेब 4 का रिप्रिंट किया, और एक जो है वो हमारे 75 ईयर्स कंप्लीट होने के लिए इंडिया के हमारे 75 ईयर्स कंप्लीट हुए गाइज, उसके लिए मैं एक रिप्रिंट लाया हूँ। तो वैसे दो रिप्रिंट डाउनलोड करने के लिए आपको क्या करना है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया ब्लॉगस्पॉट का, उस ब्लॉगस्पॉट पे चले जाओ, वहाँ पे आपको एक लिंक मिलेगा डाउनलोडिंग का, वेब 7 का लिंक है, और वहाँ पे कुछ पिक्स भी दिए मैंने वेब 7 के जो लोकोमोट आपको इस पैक में मिलने वाले हैं, तो उसको देख लो, और उसके बाद में अगर आपको अच्छे लगे तो आप डाउनलोड कर सकते हो। तो डाउनलोड करने के बाद में आ जाना अपने ZHR में, ZHR नहीं होगा तो गाइज डिस्क्रिप्शन में मैं उसका लिंक दे दूंगा। और गाइज पिछले रूट वाले सेक्शन जो वीडियो आया हुआ उसमें मैंने आपको बताया था गाइज कि कैसे आप GP लिंक से मेरे रूट या मेरे एडवांस डाउनलोड कर सकते। तो गाइज आपने अगर उस वीडियो को नहीं देखा, अगर आपको कोई दिक्कत आ रही है GP लिंक से डाउनलोड करने में, तो सबसे पहले आप R-Mastered के Win90 को देखिए गाइस, उसमें मैंने बता दिया कैसे आप GP लिंक से डाउनलोड कर सकते हो। उसके बाद में ब्लॉगस्पॉट पर डाउनलोड करने के बाद में गाइस आ जाना अपने डाउनलोड वाले फोल्डर, मैंने इसमें डाउनलोड किया है, अब आप देख सकते हो, मैं हाईलाइट करो, ऐसा कुछ आपके अपने जिप फाइल आएगा गाइस, जिप फाइल को गाइस पासवर्ड लगा हुआ है, तो वीडियो को गाइस एकदम केयरफुली वॉच करो, आपको पासवर्ड वीडियो के बीच में कहीं पर भी मिल सकता है। तो इस पर आपको टैप करना है, वन टैप करने के बाद यहाँ पे एक्सट्रैक्ट ईयर का ऑप्शन है, इस पर चले जाओ, यहाँ पे मैंने पासवर्ड मेरे पास, मैं यहाँ पे पेस्ट करूँगा, आपको पासवर्ड गाइज वीडियो के बीच में कहीं पे भी देखने को मिल सकता है, तो आप वीडियो को लास्ट तक देखिए गाइज, यहाँ पे मैं पेस्ट कर दूंगा, ओके कर दूंगा, यहाँ पे गाइज देख सकते हो ऐसा एक फोल्डर आ चुका है लेटेस्ट रिप्रिंट ऑफ MLW वेब 7 पे ऑफिशियल ट्रेनर, इसके अंदर चले जाऊंगा, यहाँ पे ऊपर 3 डॉट पे क्लिक कर दूंगा, यहाँ पे मल्टी सेलेक्ट का ऑप्शन आएगा, उसके बाद में जो एरो है इसके देख सकते हो, यहाँ पे मैं एरो दिखा दूँगा, देखो इसके ऊपर आपको टैप करना है, उसके बाद में सिलेक्ट ऑल कर लेना है, उसके बाद में नीचे ग्रीन कलर का एरो बना है इस पर क्लिक कर लो, फिर इन फाइल्स के ऊपर लॉन्ग टैप करके रखो, उसके बाद में कट कॉपी कुछ भी कर दो गाइज, आपको पता है कि मैं कट ही करता हूँ जो फोल्डर से होने गाइज, क्योंकि कट करने से डबल फाइल होता नहीं है। तो गाइज उसके बाद में चले जाओ एंड्रॉइड वाले फोल्डर में, फिर डाटा में चले जाओ, फिर आपके ट्रेन सिम में चले जाओ, TrainSim.com यहाँ पे देख सकते हो आप, N3V गेम्स जैसा आएगा गाइज, उसमें मैं आपको फाइल्स में जाना है, यूजर डाटा में चले जाओ, ओरिजिनल में चले जाओ, जहाँ कहीं भी आपने लोकोमोटिव और कोचेस पेस्ट की उधर चले जाओ, फिर मैंने 00 है इसमें पेस्ट करके रखा, तो फिर मैं उसे सिंपली से रिप्लेस कर दूंगा मेरे पास। हाँ तो गाइज यहाँ पे हो चुका, आप देख सकते हो मैंने ऑलरेडी अदर फोल्डर में भी करके रखे गाइस, तो हो सकता है कि इस वाले फोल्डर से उसमें भी चले जाए, बट आपको जो भी फोल्डर पसंद आए आप उसमें डाल सकते हो। अगर आपको नया फोल्डर क्रिएट करना तो आप नया फोल्डर पे ऐसे नीचे से गाइस अभी देख सकते हो, आप मेक कर सकते हो, अभी प्लस के आइकन पे क्लिक करने के बाद में फर्स्ट नंबर का ऑप्शन आता है गाइस, ये देख सकते हो एक फोल्डर आएगा, अगर आपको क्रिएट करना क्रिएट कर दो, जैसे कि मैं आप देख सकते हो मैंने 00 प्रेस कर दिया, उसके बाद मैं बैक आऊंगा, यहाँ पे Asset.TDX फोल्डर रहता है गाइस NPack के नीचे, अगर आपके पास होगा तो आप डिलीट कर दो, अगर नहीं होगा तो कोई बात नहीं, बैकग्राउंड में जितने भी एप्लीकेशन रन करें उनको बैकग्राउंड से हटा दो, उसके बाद में चले जाओ अपने गेम लॉन्चर में, उसके बाद में ट्रेन सिमुलेटर में, यहाँ पे गाइस देख सकते हो ट्रेन सिमुलेटर में आ चुके, और उसके बाद में चले जाओ रूट में, और उसके बाद में मैं यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ एक बार, यहाँ पे मैं रेड एलर्ट में भी दिखा दूंगा, और उसके बाद में जो रूट है उसमें भी दिखा दूंगा आपको, यहाँ पे स्क्रॉल डाउन करना है गाइस एकदम आखिर की तरफ, और नीचे आना है, यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे, ये देख सकते हो गाइस एक वेब 4 है हावड़ा का, ये देख लो गाइस ये एक रिप्रिंट आपको मिलने वाला है, इसमें गाइस आपको पेंटो एनिमेशन मिल जाएगा, देख सकते हो इसमें लाइट एनिमेशन भी मिल जाएगा गाइस, इसमें हॉर्न भी अवेलेबल है गाइस, और व्हील एनिमेशन भी अवेलेबल है गाइस, देख सकते हो MLW का F7 इसके ऊपर आप देख सकते हो अंदर, तो गाइस इसमें आपको इंटरव्यू भी अवेलेबल हो जाएगा, और जो सेकंड लोकोमोटिव गाइस वो भी आप देख लो गाइस, इसे मैंने गाइस खुद रिपेंट किए गाइस, रिपेंट को मैंने खुद पिक्सार्ट पे मिक किया है, तो इतना एक्यूरेटी तो उसमें नहीं आएगा, जैसे देख सकते हो आप 75 ईयर्स लिखा है, तो 7 जो है अंदर चला गया और 5 जो ऊपर आ गया गाइस, उसके बाद में अभी भी आप देख सकते हो साउथर्न रेलवे का जो मैंने लोगो है वो भी डाला था, बट वो भी लोगो थोड़ा सा ऊपर नीचे हो गया, और गाइस यहाँ पे देख सकते हो जो करंट का जो आप देख रहे हो कलर ना गाइस, तो इसको मैंने अपने हाथ से पिक्सार्ट पे मिक किया, तो गाइस बहुत मेहनत लगता है, जो रिपेंट मेक करती है ना गाइस उन्हें पता होगा कि पिक्सार्ट पे कोई भी रिपेंट मेक करने में कितना टाइम जाता है और कितना मतलब दिक्कत आता है गाइस, PC के मुकाबले अपने एंड्रॉइड पे रिपेंट मेक करना बहुत ही दिक्कत वाला काम है गाइस, यहाँ पे देख सकते हो यार एकदम HD रिपेंट आपको देखने को मिलने वाला है, और इसका यहाँ पे रूट्स में भी आपको दिखा देता हूँ, और गाइस एक और खुशखबरी आप सबके लिए गाइस, जो CSMT जनशताब्दी एक्सप्रेस एक्टिविटी था, जो मन जालना CSMT एक्टिविटी था, उसका Part 2 गाइस लगभग 100% मेक हो गया था, बट उसमें ट्रैक साउंड सुनने नहीं दे रहा था उस एक्टिविटी में, तो फिर उसको मैंने डिलीट करके वापस से बनाया, तो गाइस वो जो सेकंड एक्टिविटी का Part 2 था ना, तो गाइस ये जो एक्टिविटी का Part 2 है जालना CSMT जनशताब्दी एक्सप्रेस का, वो भी गाइस ऑलमोस्ट 50-60% बन चुका है, तो मैं इस मंथ के गाइस 10 तारीख तक, मतलब अभी कैसा, सो गाइस नेक्स्ट मंथ में सितंबर है अभी, इसके बाद में आएगा गाइस अक्टूबर, तो गाइस मैं 10 तारीख तक अगले मंथ के रिलीज करने का ट्राई करूँगा, मैं आपको प्लेन जगह पे लेके चलता हूँ, यहाँ पे दिखाई नहीं गा, यहाँ पे मैं कसारा चलता हूँ, गाइस यहाँ पे कसारा में आ चुके हूँ,
और गाइस कसरा के प्लेटफॉर्म पे देख सकते हो आप, यहाँ पे एक्सटेंड कर दिए गए मैंने पे। तो गाइस यहाँ पे पहले कसरा के प्लेटफॉर्म में जो था कम से कम सिर्फ 15 कोचेज वाला ट्रेन आ सकता था गाइस, बट अभी इसमें ज़्यादा बड़ा ट्रेन है। और यहाँ पे देख सकते हो गाइस मैं पे ना वैक 7 गाइस यहाँ पे मैं सर्च कर लूँगा, मैं इसे स्क्रॉल अप कर लूँगा। यहाँ पे आप देख सकते हो गाइस यहाँ पे आ चुका हावड़ा का वैक 4। अभी तक MLW का ट्रेन सिमुलेटर में कोई भी वेब 4 नहीं था गाइज, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं खुद इन रिपेंट को मेक कर दूँ और आपको वेब 4 का एक मतलब वेब 4 तो नहीं कह सकते बट वेब 4 टाइप का लोकोमोटिव का रिपेंट आपको मैं प्रेजेंट कर दूँ, जिससे कि आप इसे एक्टिविटी में प्ले कर सको गाइज। और गाइज इस रिपेंट को अगर आप यूज़ करना चाहते हो ना तो मेरा परमिशन लेना पड़ेगा, और अगर आपको इस रिपेंट का परमिशन चाहिए ना गाइज तो डिस्क्रिप्शन में आपको मेरे इंस्टाग्राम का लिंक मिल जाएगा, फिर अपन वाले सेक्शन में चले जाओ वहाँ पे भी आपको लिंक मिल ही जाएगा। तो अवार्ड वाले सेक्शन में जाने के बाद मैं वहाँ पे मेरा इंस्टाग्राम का लिंक है गाइज, वहाँ पे आपको मुझे फॉलो करना पड़ेगा और मुझे मैसेज भी कर दो, तो गाइज मैं आपका परमिशन जो रिव्यू में डाल दूंगा। तो गाइज यहाँ पे आप देख सकते हो एक लोकोमोटिव आपको देखने को मिलने वाला है, देख सकते हो यार कितना ज़बरदस्त लग रहा है दोनों लोकोमोटिव ये देख सकते हो। तो गाइज इन्हें डाउनलोड कर लो, अगर आपको दोनों लोकोमोटिव अच्छे लगे तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर से बताइए गाइज, डाउनलोड कर लो आपको इनको प्ले करने में कैसा एक्सपीरियंस आ रहा है, इनमें हम क्या और चेंजेस कर सकते हैं गाइज ये मुझे जरूर से बताइए। तो गाइज आज की वीडियो इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। और अगर हाँ भाई अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो रेड वाला जो बटन ना उस पर वाले दो लोकोमोटिव फेंक के मारो, या अपनी उंगली की उंगली जो है वो आप फेंक के मारो गाइज, कुछ भी करो पर वो ग्रे हो जाना चाहिए, रेड से ग्रे जरूर कर दो गाइज उस बटन को, और जो बेल आइकन है उसे पर्सनलाइज करके ऑल कर दो, जिससे कि मेरे हर आने वाले वीडियोज की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले आपको ही। तो गाइज आज की वीडियो इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और वीडियो को लाइक कर दो यार, इधर थोड़ी चलते हैं आपको मैं सब बताना पड़ता है यार, आप बहुत वीडियो देखते हो और बहुत सारे वीडियो देखते हो आपको पता ही क्या करना चाहिए। तो गाइस जाओ सब्सक्राइब करो जल्दी से, लाइक कर दो, और अगर आपने अभी तक इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, या फिर अबाउट वाले सेक्शन में चले जाओ वहाँ पे तो मैं आपको जरूर से लिंक दे दूंगा, वहाँ पे भी मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो, वहाँ पे मैं आपको अपडेट देते रहता हूँ गाइस, और इंस्टाग्राम के आपके जो कोई भी क्वेश्चन हो गए वहाँ पे भी मैं आपके क्वेश्चन को सॉल्व करता हूँ गाइस। तो गाइस इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना। तो गाइस आज के वीडियो इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। Thank you.